अगर किसी की राजनीति में जरा भी रुचि नहीं हो, फिर भी उसे पता चल गया होगा कि भारत में चुनाव आने वाले हैं। पिछले हफ्ते ही गैस की कीमतों में 100 रुपए की राहत मिली, वहीं 14 मार्च को पेट्रोल डीजल पर भी 2 रुपए की राहत मिल गई। सरकार ने देर शाम भाव में कटौती की घोषणा कर दी, नए रेट 15 मार्च से लागू भी हो गए। देश में डीजल से करीब 58 लाख भारी वाहन चलते हैं, जबकि पेट्रोल से करीब 6 करोड़ कार और 27 करोड़ टू व्हीलर्स दौड़ते हैं। इन सभी वाहनों को इस कटौती का फायदा मिलेगा। नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे से घटकर 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 21 पैसे हो गई। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 75 पैसे। इसी तरह दिल्ली में अब डीजल की कीमत 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 92 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 90 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर और चेन्नई में 92 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर हो गई है। लेकिन इस बीच असली लॉटरी तो राजस्थान के लोगों की खुली है। पूरे देश में जहां पेट्रोल डीजल 2 रुपए सस्ता हुआ, वहीं राजस्थान के लोगों को डबल बेनिफिट मिला है। क्यों? क्योंकि यहां की सरकार ने भी तेल पर वैट घटा दिया है, जिसके चलते पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल भरवा रहे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। जयपुर में पेट्रोल के रेट 108 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर से घटकर 104 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पर आ गए हैं। लेकिन एक्चुअल में लॉटरी किसी शहर की खुली है, वो है पाकिस्तान सीमा से सटा श्री गंगानगर जिला। इस शहर को भारत के ऐसे शहर के रूप में पहचाना जाता है जहां सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है। मई 2022 से 15 मार्च के बीच यहां के लोग देश का सबसे महंगा पेट्रोल भरवा रहे थे। बीते करीब 2 साल से लोगों के लिए यहां पेट्रोल की कीमत 113 रुपए के आसपास बनी हुई थी, लेकिन अब जाकर उन्हें राहत मिली है। जब राहत मिली है तो उसका भी सबसे ज्यादा फायदा इसी शहर को हुआ है। 14 और 15 मार्च के बीच श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपए 13 पैसे की गिरावट दर्ज की गई, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। ताजा गिरावट के बाद श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत घटकर 106 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर आ गई है। हालांकि ये कीमत भी देश भर में सबसे ज्यादा है। आइए अब जान लेते हैं कि श्रीगंगानगर वालों को ये फायदा मिला कैसे। तो दरअसल केंद्र सरकार की राहत से कुछ घंटों पहले भजनलाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में 2% की कमी की थी, क्योंकि कटौती परसेंट में थी, इसलिए शहरों में अलग अलग कीमतों की वजह से कटौती भी 1 रुपए 40 पैसे से लेकर 5 रुपए 30 पैसे के बीच हुई। वहीं डीजल 1 रुपए 34 पैसे से लेकर 4 रुपए 85 पैसे तक सस्ता हो गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने जब पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से घटाए, तो राजस्थान के लोगों को डबल बेनिफिट मिला। तो इस बीच राज्य सरकार के एक फैसले से भी श्रीगंगानगर से लेकर बाड़मेर जैसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को फायदा मिला। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट तो घटाया ही, साथ ही राजस्थान के अलग अलग जिलों में पेट्रोल के अलग अलग भाव का अंतर भी खत्म किया। इस डिफरेंस के कारण बॉर्डर वाले इलाकों में तेल के भाव और ज्यादा बढ़ जाते थे, लेकिन अब ताजा बदलाव के बाद पूरे राज्य में कीमतें लगभग एक समान हो गई हैं। तो इस तरह से जो इस इलाके में रहते हैं, श्रीगंगानगर में रहने वाले लोगों को 7 रुपए के करीब सस्ता मिलेगा अब डीजल। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये अमूमन 2 रुपए के हिसाब से ही उन्होंने कटौती की है, एक्स्ट्रा उनको कोई कटौती नहीं है। अभी भी इस इलाके में बाकियों से ज्यादा ही भाव है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मनी नाइन के साथ और डाउनलोड कर लीजिए मनी नाइन का सुपर ऐप। और आपके राज्य में क्या है इस टाइम पेट्रोल और डीजल का भाव, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए।